गुड आफ्टरनून दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो कैसे हो आप लोग? और ये देखिए, कल आपने लिए ना ये चेन लाई, मेरा मास्क गिर जाता है और खो जाएगा मार्केट में। तो अभी मैं ना इनके लिए शूज लेने के लिए जा रही हूँ। और परसों गई थी मैं शूज लेने के लिए, लेकिन शूज नहीं मिले, अच्छे नहीं लगे, पसंद नहीं आए। और अभी अपने घर के पास वाले मार्केट में ही जाती हूँ और इन दोनों के लिए जल्दी से शूज ले आती हूँ। इनके पापा कब से कह रहे, तो उनके लिए शूज क्यों नहीं ला रही है? तो चलिए आज मैं ले आती हूँ उनके लिए शूज। वैसे मैंने सूट पहना है और स्वेटर पहनने का ना साहस भी नहीं आ रहा है कि मतलब कहीं गर्मी ना हो जाए। तो दिल्ली में अभी इतनी ठंड तो नहीं पड़ी है, वैसे ठंड थोड़ी थोड़ी पड़ गई है। तो चलिए यहाँ भी कुंडी लगा लिया है। और चलिए गाइस, आपको भी ले चलते हैं अपने साथ। और लाइट वीट में सारा बंद कर देती हूँ, एक लाइट रहेगी खुला। और काना जाते जाते बहुत ज्यादा शरारत करता रहता है। चलो, और यहाँ की लाइटें भी बंद करो। चलो, मेरे चप्पल कहाँ है? चलो चप्पल ही ले जाती हूँ, सैंडल भी लेके जा रही हूँ। तो चलिए ताला पकड़ो फटाफट, स्लीपर पहन लो। ताला भी पकड़ो ना, यहाँ ताला लगाओ। रूम में ना ताला लगाना पड़ता है, एक ताला मैं रूम में लगा लेती हूँ और ये वाला मैं बाहर लगा लेती हूँ। ऐसे ही दूसरा ताला है, वो रूम में लगाना पड़ता है, थोड़ा सा डर लगता है ना। वैसे तो सिक्योरिटी अच्छी है, पर फिर भी कहते नहीं, जहाँ ज़्यादा ही वो होता है ना, तो वहाँ कभी कभार होने को वैसे कोई नहीं टाल सकता, जो होना होता है वो होता है। पर अपनी सेफ्टी, लेकिन फिर भी अपनी सेफ्टी, ये बाद में ये गिल्ट फील नहीं होता हमें जीवन में कि हमने ये काम काश कर दिया होता तो आज काम खराब नहीं होता। तो बस वही वाली बात है, बाकी ऐसे कुछ नहीं है, जो होने को होना है ना वही होना है जीवन में, है ना। तो ये बाथरूम का दरवाजा भी बंद करो। चलिए गाइज, आप लोगों को भी ले चलते हैं। हाय गाइज, तो पहुंच चुके हैं हम। ये मैं टोपी दिखाती हूँ आपको, कितने सुंदर सुंदर टोपी आए हुए हैं, अच्छे लग रहे थे ये वाले। ये देखिए, इन पे कहीं से हवा नहीं जाएगी, और जैसे ठंडी जगह जा रहे हैं ना हम, तो वहाँ के लिए बहुत अच्छी रहेंगी ये। 100 रुपये की सेल लगी हुई है गाइस यहाँ पे, ये देखिए सुंदर है, वेलवेट में है ना, अच्छे लग रहे हैं। 100 रुपीज़ इस टाइप के भी हैं। गर्म है, सभी गर्म है, ये अच्छा लग रहा है। कितने के भैया ये? 200 रुपए के। ये अच्छे लग रहे हैं, हाँ स्टाइलिश है ना, इसके कलर हैं ये। 200 रुपए नहीं, मैं नहीं ले रही हूँ, मैंने ले लिया है। ये भी अच्छे लग रहे हैं, छोटे मेरे स्टाइल। हाँ गाइस, ये भी अच्छे लग रहे हैं, 100 रुपए के, सिर्फ 100 रुपए की सेल लगी हुई है। ये देखिए, एक ले ले, इतने अच्छे है ना, गर्म है ये तो। एक ले ले क्या? चुप रहा यार। क्यों? ना 100 रुपीज़ नहीं, 100 रुपीज़ बेटा, बहुत सारे कपड़े आए हुए हैं आपके लिए तो। अरे तो एक टॉप भी तो, ये भी तो अच्छा है ना। नहीं बहुत हो गया है इस टाइप के आपके। चलो। तो गाइज, हम पहुंच चुके हैं विजय चौक में, और यहाँ से नीचे को है मार्केट। तो चलिए सबसे पहले शूज लेते हैं बच्चों के लिए और फिर निकलते हैं घर को। कॉस्मेटिक की दुकान भी यहाँ पर बहुत अच्छी है इधर। तो जब मैं बच्चों के लिए शूज ले रही थी ना, तो उनके पापा लाइन पे थे, क्योंकि उनको वीडियो कॉल करके मैं दिखा रही थी और उनसे बात भी कर रही थी। आप ये कह रहे हैं कि इसके सूल में और इसके सूल में थोड़ा सा अंतर है, लाइफ दोनों की सेम ही होती है, बाकी है ना ये थोड़ा सा ऐसा है और ये नहीं है, ये थोड़ा सा हार्ड है और ये थोड़ा सा ऐसा है, मतलब लाइट वेट है। ये और ये पिचक जाने के बाद ऐसी इसकी शेप खराब हो जाता है। दिखा। हाँ, इसका प्राइस बता रहे हैं 820% लेस करके, और इसका इसका कितना? ये 1500 वाला, इस पर 20% ये 1200 का बता रहे और वो 800 का बता रहे। अब आप बताओ कौन सा लेना है। ये पिचक जाएगा तो ये खराब। और वाइटी कलर दोनों के ऐसे ही होंगे, इसमें नहीं मिलेगा कलर, इनमें वाइटी आते हैं दोनों में, मतलब इसको यही समझ में आ रहा है। मुझे भी थोड़ा सा यही ठीक लग रहा है, मुझे तो सिंपल सोबर भी है और वो भी है। दिखा, चलो ठीक है। ये देखो देखो, अभी चलो मत इतनी। ये है काना के, ये देखो, ये ब्लैक कलर च और ये रेड कलर च, ठीक है, और वो ब्लैक भी है और ये ब्लू है। अच्छा,
ठीक है, ये ब्लू है, इन पे 20% डिस्काउंट है, कैंपस का है ये 20% इन पे भी। भैया के लिए ले जाऊं जो 20 के? हां ये क्यों ठीक है, ये क्यों जान रे दुख सेम टू सेम, लेकिन ये तो मुझे भी नहीं पसंद आ रहा इसका पिंक कलर। ठीक है एक ये रेड उसको अच्छा लग रहा है, मुझे पसंद नहीं आ रहा। और एक ये ठीक है, इसका पीछे का लुक ये है, ये सब ये देखो, और इसका पीछे का लुक ठीक है। मेरा ले लिया राघव का, ये ले लो ब्लैक। अभी राघव ये क्यों छी हां है दुकान मारो अब हम आयु को बोलो, ये मोटा हो गया बस। ये क्यों ये अच्छा लग रहा है मुझे, यू कैंपस अच्छा। हां यू कैंपस अच्छा ना, ये कितने का है? 8% और डिस्काउंट 10% कैंपस पे। कैंपस पे तो 20% मिल रहा है, फ्रेश ट्रैवल दस कोई प्रॉब्लम होगी सारा फ्रेश तो नहीं, वो वीडियो में समझ आ रहा है उनको, वो बता रहे हैं वो कैसा कुछ लगे। ये देखो ये क्यों छा ठीक है। अब दूसरा ये इसी का, इसी ब्रांड का दूसरा ये कलर, ये कितने का है? 630। अब ये दिखाना, ये कैंपस का है। अब ये देखो हाँ ये कैंपस के हैं, और ये मुझे पसंद आ रहा है, ये बच्चों के लिए अच्छा। हाँ ये उम्मीद है ठीक लग मैं थोड़ा सा। ये देखो ये देखे ये इसी का ये कलर ये है, ये कैंपस के हैं, लेकिन 10% डिस्काउंट देना चाहिए, वो दूसरी दुकान 20% दी मैं कैंपस हम। ये थोड़ा वो एक लुक जरा चेंज छा, आइयो 1300 रुपया जो ग्राहक को पसंद आ रहा है। देखो ना पीछे से ये भी अच्छा लग रहा है, ये देखो बोल मैं ही कि ये अच्छा लगा मेरे था तो जाएगा ना, ये देखो ये टूट भी तो जाएगा, खराब हो जाएगा, स्क्रैच आ जाएंगे इस पे। पीछे का लुक दिखा, बैक हो जाओ। आपके कहा है चलिए खाना के लिए और बाबू के लिए ले लिए हैं हमने सूज, और अब चलते हैं घर की तरफ। कैसे दिए भैया ये? 400 के। अच्छा टी शर्ट भी साथ में है ना सबके? अरे भैया खिसक रहा है वो नीचे। टिप टॉप में मैंने स्वेटर ट्राई करी लेकिन लिया नहीं, और मुझे अच्छे नहीं लगे तो इसलिए नहीं लिया। मेरा राघव खा रहा है भेलपुरी, बहुत टेस्टी होती है भैया के भेलपुरी। गुड इवनिंग गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं घर में और मैं लगा रही हूँ अपनी मम्मी का फोन। तो यहाँ पर बाबू बैठी है और बहुत थक गई है, तो बच्चों के शूज मैं लेकर आ गई हूँ, दोनों के शूज मिल गए हैं अच्छी पसंद के, और यहाँ पर बना रही हूँ मैं अपने लिए चाय। और गैस ना पूरा ऐसा हो रखा है, बहुत ज्यादा बेकार हो रखा है। अभी मैं अपने लिए बना रही हूँ टेस्टी चाय अदरक की, और फिर उसके बाद काटूंगी सब्जी। क्या हुआ? भूख लग रही है बहुत ज्यादा, भूख लग रही है। और अचानक से, और मैं अपनी मम्मी के साथ बात कर रही थी, अचानक से फोन कट गया। वहाँ ऐसे होता है गांव में ना, टावर चले जाते हैं, मतलब फोन के जो सिग्नल होते हैं वो चले जाते हैं। बिस्किट चाहिए? तो मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे सोफे के सामने और काट रही हूँ मैं सब्जियाँ, थक गए हैं बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे बच्चे देख रहे हैं टीवी, मैंने साइलेंट कराई है कि बाबू थोड़ा सा मैं कुछ बोल रही हूँ। तो ये सब्जी काट रही हूँ मैं, सब्जी में मैं क्या क्या काट रही हूँ वो दिखाती हूँ आपको। तो सब्जी में मैं काट रही हूँ एक गाजर है और एक ये है, तो अभी पहले धो लेते हैं इनको। और ये थोड़ा सा मटर भी है, ये गोभी हटा दूँगी मैं, और ये छीमी है, और दो तीन आलू लूँगी मैं। और फिर ये देखिए थोड़े थोड़े ना ये ख़राब से हो गए हैं, बहुत दिन से बनाए ही नहीं थे, इनको मैं हटा दूंगी जो भी खराब हो रखे हैं, और छांट छांट के काटूंगी इनमें से। सॉक्स लाई हूँ मैं अपने लिए 100 रुपीज के, 3 जोड़ी स्किन कलर के हैं ये, और ऐसा डिजाइन है इनका, ये स्ट्रेच भी हो सकता है बहुत सारे, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो रहे हैं, खींचना ये काफी स्ट्रेच हो रहे हैं। तो 3 जोड़ी ले आई मैं ये वाले 100 रुपीज में, थोड़ा सा पहनने के लिए ना, वैसे मेरी आदत तो नहीं है सूजूज पहनने की, लेकिन मैंने सोचा कि देखूंगी सूजूज पहनूंगी तो इस बार मम्मा वेस्टर्न। और अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को बच्चों के सूज। तो ये है काना के सूज, कैंपस के हैं ये, और बहुत से सूज देखे इसने, आप लोगों ने देख लिया होगा। तो ये ऐसे हैं काना के, ये कैंपस के हैं, और बाबू के नॉन ब्रांड है, हाँ लेस वाले ला रखे हैं। तो
इसको ना बहुत ज्यादा मैंने बताया कि बाबू ये ना विराट कोहली भी पहनते हैं और धोनी भी पहनते हैं, इसलिए लिया इसने। बहुत ज्यादा नखरे कर रहा था ये बहुत। और बाबू के ऐसे ये नॉन ब्रांड है, चाइनीज माल जो होता है ना, लेकिन थोड़ा सा इनकी गारंटी होती है। हाँ, इम्पोर्टेंट माल होता है ना, जो ये ब्रांड व्रांड कुछ नहीं है, बस ऐसी है लोकल, लेकिन अच्छे लग रहे, चलते हैं। ये भी पिछले बार भी लिए थे हमने, तो इसने एक साल तक चलाए, कुछ नहीं हुआ उनका, कुछ भी नहीं फटा या कुछ भी नहीं हुआ, छोटे हुए बस है ना, दफ्ती नहीं है ज्यादा। हाँ, और एक ला रखा है काना आपने लिए, पांडे पांडा पांडा, पांडा। मैं पांडे बोलती हूँ जानबूझ के, नहीं नहीं पांडा है ये, और इसके साथ सोएगा अब काना। ये 100 रुपीज का, 100 रुपीज का, ये 150 रुपए के बोल रहे थे तो 100 रुपीज में लाए ना। Yes, bargaining अच्छी कर दी मम्मा। नहीं, उन्होंने एक झटके में मान लिया, बार्गेनिंग कुछ नहीं करी, मैंने कहा 100 रुपए तो वो देने को तैयार हो गए। चलो तो चलिए अब मैं सब्जी काट लेती हूँ और खाना बना लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से।